नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूं कोरोना को लेकर। 3 लाख से ज्यादा आंकड़ा पार कर गया है कोरोना का। देश की राजधानी दिल्ली में ये हालत है कि लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा। अब शांति स्वरूप बोस जी का जो परिनिर्वाण हुआ उसमें भी खबर आ रही है कि शायद उनको बेड नहीं मिला था और इस वजह से वो कोरोना के शिकार हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जितना बच सकते हैं वो बचिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से जी न्यूज के दफ्तर में कोरोना फैल गया था, उसके बाद दीपक चौरसिया के न्यूज नेशन में कोरोना फैल गया है पूरी तरीके से। पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया है कोरोना की वजह से और सारे स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। एक बहुजन समाज के पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि किस तरह से वहां सुमित चौहान है, न्यूज नेशन के हमारे कुछ साथी कोरोना पॉजिटिव मिले, आज हमारा ऑफिस अगले 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। एहतियातन में मैं सेल्फ आइसोलेशन में और कुछ दिन एकांत में ही बिताऊंगा। फिलहाल गंभीर लक्षण नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कोरोना का टेस्ट करवा लूंगा। आप सभी भी अपना ख्याल रखें, देश में कोरोना विस्फोट हो रहा है। तो सोचिए 3 लाख के ज्यादा पार कर गया है। और क्या दीपक चौरसिया को कोरोना हो गया है, क्या सुधीर को कोरोना हो गया था, ये तमाम खबरें, और क्या माना जाए कि इन चैनलों ने कोरोना फैलाया जिस तरह से तबलीगी जमात को दिया गया था, इस पर बड़ी अपडेट बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है अखबारों का और एक बड़े संजय सिंह है वो बड़े पत्रकार रहे हैं, और किस तरह से जब मोदी जी ने लॉकडाउन किया था तो किस तरह से इन अखबारों ने झूठ बोला, वो खबर बता रहा हूं आपको। संजय कुमार सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से लिखा कि राजनीति में अखबारों की ऐसी भागीदारी पहले कभी नहीं देखी, इतना झूठ अखबारों ने बोला है। अब जबकि कोरोना के मरीज 3 लाख के पार कर गए हैं, पहले इस तरह से किस तरह से की बता रही थी, अखबार बता रहे थे, टेलीविजन वाले बता रहे थे, तो उसकी पोल खुल रही है। पहले इन खबरों से बेवकूफ बनाया गया, रेलवे कोच बन गया, अस्पताल तैयार हो रहे हैं, 3.2 लाख आइसोलेशन बेड, मतलब 3,20,000 बेड तैयार है। रेलवे 5,000 कोच में तैयार कर रहा है, 80,000 आइसोलेशन बेड। रेलवे ने 2,500 कोच में बनाया आइसोलेशन वार्ड, अब 4,000 बेड आवासीय स्थिति के लिए तैयार, जल्द ही 3,20,000 आइसोलेशन बेड तैयार कर लिए जाएंगे। 20,000 कोच कोरोना वायरस रोगियों के लिए वार्डों में परिवर्तित, अब इससे बनाया जा रहा है। रेलवे का साथ नहीं ले रही राज्य सरकार, धूल खा रहे कोविड केयर कोच। नवाटा की आज की खबरें, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना में कोरोना मरीजों के आइसोलेशन के लिए तैयार है रेलवे कोच। अरविंद केजरीवाल का आदेश और एलजी की चिट्ठी क्या थी, यह हाल महामारी के समय है, सामान्य स्थिति में अखबारों ने क्या किया होगा, सोचिए लोकप्रियता ऐसे नहीं बढ़ती है। ये वो खबर है, सोचिए किस तरह से इस देश की अखबार और टेलीविजन की पूरी विश्वसनीयता खतरे में है। और उसी में बड़ी खबर है कि एक बार फिर से अर्णब गोस्वामी से 90 मिनट से ज्यादा तक की पूछताछ हुई है, मुंबई पुलिस ने की है। पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने बचाया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुंबई हाई कोर्ट जाइए, मुंबई हाई कोर्ट में गए तो मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि आपको पुलिस की जांच का सामना करना पड़ेगा। और पहले भी 6 घंटे की पूछताछ हुई थी अर्णब गोस्वामी से, अब 90 मिनट की पूछताछ हुई है। जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम खबरें चलाई हैं, सांप्रदायिकता चलाई, आज फिर से जिस तरह से संबित पात्रा ने यूपी में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की, तो ये बड़ी चीजें हैं। और अब भी अगर आप टीवी अखबार के मिली भगत को नहीं समझेंगे तो आप समझिए कितनी लापरवाही है। न्यूज नेशन में कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, किसी को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ये लगातार देखा जा रहा है कि न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है, क्योंकि वहां लगातार लोगों से काम करवाया जा रहा है। और पहले जी न्यूज का मामला आया था, अब न्यूज नेशन का आया है, आज तक पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सुधीर चौधरी कोरोना से बच गए हैं, क्या दीपक चौरसिया को भी कोरोना है। दीपक चौरसिया जी को मैं पर्सनली जानता हूं, उनकी तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं उससे तो साफ है कि कुछ बड़ा है। और एक और कुछ खबरें मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर जो वायरल है वो बता दूं। ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की जो बहन है कृष्णा पटेल और बाबू सिंह कुशवाहा, इन तीनों को कल पुलिस ने प्रतापगढ़ नहीं जाने दिया है। और मोदी सरकार ने पराठा पर 18% और रोटी खाएंगे तो 5% जीएसटी लगाया है, अगर आपने पराठा और रोटी दोनों खाया तो आप पागल हो जाएंगे। एक तस्वीरें बिहार से वायरल हो रही है, खाट पर मरीज को ले जाया जा रहा है, मैं दिखाऊंगा। जेएनयू एक बार फिर से भारत की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हुई है, जिसको लगातार 5 साल से बदनाम किया जा रहा था। तो ये कुछ ऐसी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और नेपाल साहब का इतना डंका बज रहा है,
कि नेपाल पुलिस जो है अब गोली चलाने लगी है, और चीन ने तो जो दबाना था दबा लिया। आपको छिपाने के लिए सूत्रों के नाम से एजेंसी के जरिए झूठी खबरें चलवाई गई कि चीन 2.5 किलोमीटर पीछे हट गया। बाद में अफवाह भी खंडित हो गई, पर मीडिया चूंकि पूरी तरह से सरकार का भोपू बन चुका है तो किसी को भी फॉलोअप नहीं किया। यह देशभक्ति अब नेपाल भारतीय नागरिकों पर गोली चला रहा है। दूर हटो, यहाँ कौन सा डंका बज रहा है, किसके यहाँ? नेपाल ने कभी डंडा भी चलाया था? इतनी तगड़ी सरकार, तुम्ही को मुबारक हो झूठो। ये शीतल पी सिंह ने लिखा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सवाल है कि क्या सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, इन सबको आके सफाई देनी चाहिए कि उनकी वजह से कोरोना उनके ऑफिस में फैला है, और कहाँ गलतियाँ हुई हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।